मोहम्मद अफसार कुरैशी। आज किस प्रकार का क्या जुलूस निकाला जा रहा है? आज हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की पैदाइश का दिन है, उसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसमें हमें बहुत शानो शौकत से जुलूस निकालते हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएगा जुलूस? ये हमारा फतेहपुर तो होकर सीधे खामोद से बाबा और गौसगंज होते हुए सीधे अपने फतेहपुर फिर वापस आ जाएंगे। बबलू कुरैशी। अच्छा, आज जो है जुलूस निकल रहा है, किसकी याद में निकला है? ईद मिलादुल नबी हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद में मनाया जाता है। कहाँ से निकल के आया है, कहाँ तक जाएगा? फतेहपुर से निकल के आया, खामोश सबाबा से वाया मुंसा नगर से होते हुए फिर पहलवान सबाबा तक जाएगा। जिसको ज्यादा व्यक्ति हो वो कृपया। ये 12वीं रबीउल अव्वल के अवसर पे जो है मुंसा नगर में सारे जुलूस जो हैं बाबा पहलवान शाह की मज़ार से जो है इकट्ठा होकर जुलूस, और हाईवे पे थोड़ी दूर चलता है फिर अंदर मुड़ करके एक और मज़ार है, वहाँ पे जा करके फातिहा पढ़ते हैं लोग। तो इस जुलूस की तैयारी की गई थी और हम लोगों ने ये जुलूस भली भांति संपन्न हो जाए और हाईवे पे कोई जाम की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए 5-6 मीटिंग कर ली गई थी और वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगा दी गई थी। पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद था कि जुलूस भी अच्छे से संपन्न हो जाए और आम जो जनमानस है उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़े बहुत डाइवर्जन पहले से हो गए थे तो आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया भी था साथ में, कि एक घंटे सवा घंटे के अंदर ही सारा जुलूस बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत मर्यादित और बहुत अच्छे से जो है संपन्न होकर के और अंदर जो है गली में चला गया है और एक डेढ़ घंटे में जो है जुलूस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।